700। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि महिंद्रा ने अपनी सब कॉम्पैक्ट SUV 300 को मार्केट में लॉन्च किया था, जिसने ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार सेफ्टी क्रॉस की थी। उसी तरीके से महिंद्रा अपनी नेक्स्ट जनरेशन कोड नेम W601 को लॉन्च करने वाला है, XUV 700 को। टेस्टिंग के दौरान लिए हुए कुछ स्पाइस शॉट्स को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर महिंद्रा ने बिल्कुल मर्सिडीज़ की तरह बड़ी सी टच स्क्रीन दे रखी है, जो बहुत ही हाईटेक लगती है। और इसके अंदर डोर हैंडल्स पे इलेक्ट्रिक एडजस्ट के लिए सीट बटन्स भी दे रखे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कूल लगते हैं। मतलब कि महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों में बिल्कुल मर्सिडीज़ और BMW जैसे फीचर्स दे दिए। इसके अंदर मिलने वाले हैं आप इस SUV के अंदर आपको रेंज रोवर वाले डोर हैंडल्स मिलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा बेहतर लगते हैं इस सेगमेंट के अंदर। XUV 700 के अंदर 8 ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम के साथ XUV 700 को लॉन्च करने वाली है। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि 8 ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स आपको ना ही टोयोटा फॉर्च्यूनर में मिलते हैं, ना ही मिलते हैं आपको फोर्ड की एंडेवर में, लेकिन आपको MG की ग्लोस्टर में सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इनके बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का टर्बो डीजल में मिलने वाला, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर आपको पावर मिलती है 180 BHP की पावर। और दूसरा है 2 लीटर का M स्टैलियन TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर आपको 200 BHP की पावर देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं कि 8 ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला है ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, और दूसरा है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और तीसरा फीचर्स है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, और चौथा फीचर्स है ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्टर, और पांचवा फीचर्स है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, और छठा फीचर्स है लेन कीप असिस्ट, और सातवा फीचर्स है हाई बीम असिस्ट LED लाइट्स, और सबसे आखिरी फीचर्स की बात कर लें वो 8 फीचर्स, उसका नाम है पर्सनलाइज स्पीड वार्निंग सिस्टम। महिंद्रा अपने XUV 700 के अंदर 8 हाईटेक फीचर्स के साथ XUV 700 को लॉन्च करने वाली है। मतलब कि XUV 700 फुल्ली हाईटेक फीचर्स के साथ लॉन्च होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट भी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। इसके अंदर आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी के सेंटर कंसोल में आपको सैंड मड जैसे डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईटेक लगता है, अच्छा है, कूल लगता है। और XUV 700 टेस्टिंग जोरों जोरों से चल रही है। XUV 700 को एक बार फिर से टेस्टिंग करते हुए देखा गया, मतलब कि XUV 700 जल्दी लॉन्च होने वाली है। अब बताया जा रहा है कि XUV 700 आपको जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में लॉन्च की जा सकती है। और इस सेगमेंट में आने वाली हुंडई अल्कज़ार के अंदर आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल पाता है, जिसके अंदर आपको 153 BHP की पावर मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं XUV 700 की पावर से बहुत ही कम होगी। और वहीं दूसरी तरफ है टाटा सफारी और MG हेक्टर और GP कंपस, जिनके अंदर आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिल जाता है, जो फीएट सोर्सेस है, जिसके अंदर आपको पावर मिल जाती है अराउंड 170 BHP की। और XUV 700 के अंदर आपको 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो कहीं ना कहीं इन तीनों गाड़ियों से कहीं ज्यादा पावर। और XUV 700 के अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। मतलब महिंद्रा अपनी गाड़ियों के अंदर 4x4 का ऑप्शन जरूर लेके आएगा, क्योंकि महिंद्रा की हर गाड़ियों के अंदर 4x4 का ऑप्शन जरूर आता है। और इसके अंदर आपको रेंज रोवर वाले डोर हैंडल्स भी देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल स्प्लिट होते हैं, बटन दबाओ तो बाहर और बटन दबाने से अंदर हो जाते हैं। मतलब कि महिंद्रा अपनी गाड़ी के अंदर बिल्कुल 50 से 60 लाख वाली गाड़ियों में आने वाले फीचर्स को अपनी गाड़ियों में यूज़ कर रहा है, कि मतलब कि बिल्कुल ही 50-60 लाख वाली गाड़ी के मजे आपको 20 से 25 लाख वाली गाड़ी में मिलने वाले हैं। इतने सारे हाईटेक फीचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर भी कर दो। इसके अंदर महिंद्रा ने क्या क्या नहीं दिया, काफ़ी सारी चीज़ें तो महिंद्रा ने अपनी प्रॉपर वेबसाइट पर जारी भी की हैं, और तो बताया भी है कि महिंद्रा काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर भी कर चुका है। कि महिंद्रा अपनी वेबसाइट पर बताया है कि हमने इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ कि इस गाड़ी में लगभग 20 से 25 लाख रुपये में आपको 50 से 60 लाख वाले मजे पूरे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर दी गई हैं। और वैसे भी आजकल महिंद्रा की गाड़ी इतनी हाईटेक आ रही है, आप देख लो महिंद्रा की थार देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे जीप की रैंगलर हो, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगती है। इंटीरियर को ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए मर्सिडीज़ की तरह एक बड़ी सी टच स्क्रीन, और इसके अंदर लेदर रैप फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। और इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील पर आप क्रूज कंट्रोल, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले और वॉइस कमांड जैसे फीचर देख सकते हैं। और इसके डोर हैंडल्स पर मर्सिडीज़ की तरह इलेक्ट्रिक सीट्स को एडजस्ट करने के लिए बटन्स भी दिए हुए हैं। इस गाड़ी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए
इसके सेंटर कंसोल में आपको डिफरेंट ऑफ रोडिंग मोड्स भी मिलेंगे जो इस गाड़ी को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। इस गाड़ी के सेंटर कंसोल में मिलने वाले आपको सैंड मड जैसे डिफरेंट मोड मिलेंगे, जिस आप जैसे चाहो वैसे इस गाड़ी को चला सकते हो। जिस तरीके से टाटा ने अपना ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म बना लिया है, जिस बेस पे टाटा की सफारी और टाटा की हैरियर बनी है, उसी तरीके से महिंद्रा ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है W601, जिस बेस पे ये XUV700 को बनाने वाला है। और उसी हिसाब से देखें तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी लग रही है। महिंद्रा ने काफ़ी हद तक BMW मर्सिडीज से इंस्पायर होकर अपनी गाड़ी को इतना ज़्यादा हाईटेक बना दिया है। अगर आप एक 7 सीटर लेने वाले हैं तो आप टाटा की सफारी, MG हेक्टर प्लस और क्रेटा की 7 सीटर, हुंडई की अल्कज़ार से ज़्यादा बेहतर होने वाली है। महिंद्रा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह बताया है कि हम अपनी गाड़ी को 4x4 ऑप्शन के साथ लॉन्च करेंगे और इस सेगमेंट में आने वाली टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और क्रेटा की 7 सीटर, हुंडई की अल्कज़ार में इनमें किसी में भी 4x4 का ऑप्शन नहीं आता। महिंद्रा